हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज कुछ हटके करने का मन है, देखते हैं कि कितना सक्सेस मिलता है आपकी ओर से। तो फ्रेंड, आपको बताया जाएगा कि हम मुर्गियों को कैसे बैठाते हैं फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं अपने मुर्गियों को कैसे बैठाएंगे हम। हमारे यहाँ पे इसको धामा बोलते हैं और ये काफी कम रेट में हमारे यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि इसका 100 रुपया प्राइस रखा गया और हमारे यहाँ पे 100 रुपये में ये मिल जाता है फ्रेंड। इसको साफ कर लेते हैं हम लोगों। मैंने इसको धोया पहले क्योंकि मुझे इसमें बैठाना था फीमेल को अंडे रखकर। जैसा कि ये साफ हो चुका है और इसके सपोर्ट मैं इस टायर का यूज करने वाला हूँ। इस पे इसको इस टाइप से रखने वाला और उसके बाद आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये पाउडर, ये गैमेक्सिन पाउडर है जिसका मैं प्रत्येक बार बहुत अच्छे तरीके से अपने मुर्गी को बैठाते टाइम यूज करते, कीड़ा बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो जैसा कि हल्का हल्का मैं इसमें पहले से ही गैमेक्सिन पाउडर छीट देता हूँ और अब इसमें डालते हैं हम बालू। तो इसको काफी अच्छा तरह से फैला लिया गया है और अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा गैमेक्सिन पाउडर दे देते हैं जिससे कि कीड़ा बिल्कुल भी ना हो। हमारा जितना प्रयास रहेगा कि कीड़ा कम से कम हो फ्रेंड। और इससे मैंने जितनी बारी भी अपने मुर्गी को बैठाया है कीड़ा ना के बराबर रहा है। तो अब अंडे को लेके आते हैं। तो जैसा कि ये बड़ा सा एक टोकरी है जिसमें मैं अपने सारे मुर्गियों के अंडे को रख, तो ये अलग मुर्गी का है, ये अलग मुर्गी का है और ये अलग मुर्गी का है। तो कुछ कुछ देसी अंडा भी रहता है, वैसे जनरली मैं इसमें आंध्रा मुर्गियों का अंडा ही रखता हूँ। तो वैसे तो मैं अपने आंध्रा मुर्गी के अंडों को कभी पकड़ता नहीं हूँ हाथ से, हमेशा प्लास्टिक का या फिर नैपकिन का यूज करता हूँ। तभी फिलहाल मेरे पास नैपकिन खत्म हो चुका है तो मैं प्लास्टिक में पकड़ पकड़ के एक एक अंडे को रख रहा हूँ। साथ में थोड़ा बहुत जम्स वगैरह रहता ही है जिससे मैं अंडे को कभी छूना डायरेक्टली पसंद नहीं करता हूँ। नेक्स्ट टाइम नैपकिन वाला वीडियो भी बनाया जाएगा कि मैं जब भी अपने आंध्रा मुर्गी को अंडे से उठाता हूँ या फिर अंडा उनका उनसे उनके पास से लेता हूँ तो नैपकिन में से ही मैं उठाता हूँ, या तो नैपकिन या तो प्लास्टिक का प्रयोग करता हूँ मैं। एक देसी फीमेल को बैठाने वाला हूँ और सारे के सारे आंध्रा मुर्गी के अंडे हैं। तो चलिए लेके चलते हैं इसको उसके जगह पे जहाँ पे मैं फीमेल को बैठाने वाला हूँ। जैसे कि पहले हम थोड़े जगह में भी अच्छे से गैमेक्सिन पाउडर छीट देते हैं जिससे कि कीड़ा होने का संभावना बिल्कुल भी ना रहे हमारा, और कंजूसी नहीं करना है, जितना हो सके अच्छा से प्रयास करना है जिससे आपका कीड़ा नहीं हो। अगर आप कंजूसी करोगे तो पाउडर तो आपका बच जाएगा पर कीड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पाउडर मैंने पूरा अच्छे से छीट लिया है। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है हमारा और हम अपना फीमेल को लेके आने वाले हैं। चलिए फीमेल को लाया जाए। तो इस फीमेल को मैं बैठाने वाला हूँ फ्रेंड। तो ये इतने सारे अंडे को देख रही है, थोड़ा देर बाद ये कम पूरे अच्छे से बैठ जाएगी। तो मैं आपको कितना बच्चा आने वाला है और कितना बच्चा नहीं आने वाला है नेक्स्ट वीडियो पे जो हमारी फीमेल की रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि हम किस टाइप से इसको बैठाते हैं।
जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम कम होता है, कीड़ा वगैरह बहुत कम होता है, और हमारा फीमेल बच्चा ही बहुत अच्छे से फोड़ लेगी फ्रेंड्स। तो कंप्लीट वीडियो आपको बताया जाएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।